हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर। और रीयूज्ड कंटेंट अगर आ गया है आपके चैनल पर तो फाइंड करके डिलीट करके चैनल को मोनेटाइज करवाएंगे और बिना वॉच टाइम कम हुए। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सा जादू लेकर आ गए हो भैया कि बिना वॉच टाइम कम हुए डिलीट भी करा दोगे और वॉच टाइम भी कम नहीं होगा और रीयूज्ड भी हट जाएगा, चैनल मोनेटाइज भी हो जाएगा। मैं आपको बताऊं दोस्तों, अभी तक हमने जो चैनल मोनेटाइज करवाया उनमें से सबसे ज्यादा चैनल इसी पर मोनेटाइज करवाया जिनके रीयूज्ड कंटेंट थे, और 15 से 20 चैनल शायद मोनेटाइज हो गए हैं जो कि आपको आने वाले टाइम में एक एक करके वीडियो दिखेंगे। लेकिन अभी आपको बता रहा हूं कि आपको अपने चैनल से रीयूज्ड कंटेंट कैसे हटाना है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत से चैनल तो ऐसे भी हैं जिनके चैनल मोनेटाइज थे और बाद में रीयूज्ड कंटेंट आ गया और उनके चैनल पर अब क्या करें, वो ये सोच रहे हैं कि पहले वाली वीडियो ठीक थी या अब वाली वीडियो में दिक्कत है, किस वीडियो में दिक्कत है और कौन सी वीडियो डिलीट करूं। तो मैं आपको बता दूं कि रीयूज्ड कंटेंट का मतलब यही होता है कि दूसरे की यूज की गई हुई वीडियो। अब दूसरे की यूज की गई हुई वीडियो कैसे हटाना है मैं आपको बता रहा हूं। आपको अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनाना है, चैनल पर जाओ, एक प्लेलिस्ट क्रिएट करो, उस प्लेलिस्ट का नाम रखना है रीयूज्ड कंटेंट। ठीक है, प्लेलिस्ट का नाम रख दिया रीयूज्ड कंटेंट। उस प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियो को ऐड कर दो जिस वीडियो पर तुम्हें लगता है कि किसी दूसरे का कंटेंट यूज किया है। मैं फिर तुम्हें बताता हूं, उस प्लेलिस्ट में वो वीडियो ऐड करना है जिसमें तुमने किसी दूसरे का कंटेंट यूज किया है। लेकिन किसी दूसरे का कंटेंट का मतलब मेरा ये है कि पूरी पूरी वीडियो ही, या फिर तुमने सिर्फ एडिटिंग की है, ना तुम्हारी वॉइस है, ना तुम्हारा फेस है और ना तुम्हारा कुछ उसमें एफर्ट है एडिटिंग को छोड़कर, तो उन सभी वीडियो को रीयूज्ड वाले प्लेलिस्ट में ऐड कर देना। वो सभी वीडियो रीयूज्ड ही होती हैं, मैं फिर बता रहा हूं, वो सभी वीडियो रीयूज्ड होती हैं। और बड़े ध्यान से समझ लो कि रीयूज्ड वीडियो बिना डिलीट किए हुए आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, लेकिन डिलीट करोगे उसका वॉच टाइम कम नहीं होगा। ये ट्रिक मैं आज आपको बता रहा हूं। और बहुत सारे मैसेज आते हैं कि भैया अब मैंने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना ली है और रीयूज्ड कंटेंट आपने बताया, सब कुछ बताया जो चीजें मैंने कर लिया, तो जब मैंने मोनेटाइजेशन के लिए भेजा YouTube को तो क्या मोनेटाइज कर देगा, और अगर मैंने वीडियो डिलीट कर दी और मोनेटाइज नहीं हुआ तो क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर वीडियो डिलीट नहीं करोगे तो मोनेटाइज बिल्कुल नहीं होगा, पहली चीज, क्योंकि डिलीट जब तक नहीं करोगे तब तक रीयूज्ड कंटेंट आपके चैनल पर बना रहेगा, तो डिलीट करना ही पड़ेगा। लेकिन जो बता रहा हूं, जब बता रहा हूं तब डिलीट करना, अभी मत डिलीट कर देना जाकर। तो डिलीट करने के लिए तुम्हें एक प्लेलिस्ट बनाना है जिस प्लेलिस्ट में तुम्हें वो सारी वीडियो डालनी है जिस वीडियो पर रीयूज्ड कंटेंट तुम्हें लगता है। ठीक है, और दूसरा काम तुम्हें यह करना है कि अगर जब तुम्हारे चैनल पर मोनेटाइजेशन वाला ऑप्शन आ जाए और ऑन हो जाए रीअप्लाई का ऑप्शन, तो जब रीअप्लाई तुम्हें करना हो तो वहां पर एक काम कर लेना, रीअप्लाई करते टाइम उन प्लेलिस्ट को जैसे ही तुमने रीअप्लाई किया 2 बजे के बाद रीअप्लाई करोगे, ज्यादा बेहतर रहेगा, दिन के 2 बजे के बाद रीअप्लाई करना, क्योंकि अपडेट 2 बजे तक होता है यूट्यूब का पूरा फीचर, आपके चैनल पर भी अपडेट होता होगा अगर आप यूट्यूब चलाते हो तो 2 बजे के बाद रीअप्लाई करना, वो जो प्लेलिस्ट बनाया है उस प्लेलिस्ट को कर देना प्राइवेट। अब बहुत भाई और बहन मेरे से पूछ रहे हैं कि रीयूज्ड कंटेंट अगर मैंने प्राइवेट कर दिया उस लिंक को, उस जो प्लेलिस्ट बनाया है, तो क्या वो रीयूज्ड कंटेंट प्राइवेट वीडियो को YouTube नहीं चेक करेगा? मैं आपको बता दूं, YouTube कहता है कि अगर आपने हमें मोनेटाइजेशन के लिए भेजा है कि हमारे चैनल को कर दो, तो सिर्फ और सिर्फ हम आपके पब्लिक वाली वीडियो को देखते हैं और पब्लिक की हुई वीडियो को वो चेक करेगा और उसमें अगर कुछ दिक्कत नहीं लगी तो आपका चैनल मोनेटाइज कर देगा। अब यहां पर एक क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि बहुत से चैनल ऐसे हैं जिनके चैनल पर स्टेटस की या इन सब टाइप की वीडियो डालते हैं, सिर्फ इसी टाइप की वीडियो और कोई वीडियो ही नहीं है, तो अब क्या करें? वो सोचते हैं कि सारी वीडियो मेरी रीयूज्ड है, अब मैं क्या करूं? तो उनके लिए एक सजेशन है कि मोनेटाइजेशन के अप्लाई होने के 5 दिन 10 दिन पहले तुम्हें 10-15 वीडियो अपने फेस के साथ में या फिर अपने वॉइस के साथ में अपलोड कर देनी है अपने चैनल पर। ठीक है, और जो ट्रिक बताया है इस ट्रिक का यूज करके प्लेलिस्ट बना के फिर प्राइवेट कर देना, चैनल तुम्हारा 1 से 2 दिन के अंदर मोनेटाइज हो जाएगा। तुम्हें बता दूं, अभी हमने एक चैनल मोनेटाइज करवाया है, उनका नाम है यूपी ब्लॉगर सिबा। दूसरा चैनल मोनेटाइज करवाया है ब्रांडेड फौजी करके है। तीसरा चैनल मोनेटाइज करवाया है राजस्थान वायरल किंग के नाम से। और भी बहुत सारे चैनल जो कि मुझे नाम नहीं याद आ पा रहा है, और एक चैनल रंगी लाल करके कुछ नाम था, मंगी लाल करके एक चैनल है जो कि हमने मोनेटाइज करवाया है। और तो आपके भी चैनल मोनेटाइज हो सकते हैं अगर आप इन सभी बताए हुए रास्तों पर काम करेंगे और आपके चैनल से रीयूज्ड कंटेंट बिल्कुल हट जाएगा
और आपका चैनल मोनेटाइजेशन के बाद ज्यादा पैसा कमा कर देगा आपको, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो। ठीक है, एक चैनल था रवि योगी करके नाम था, उनका चैनल मोनेटाइज करवाया, जबकि वो न्यूज का कंटेंट अपलोड करते थे, उन्हें मैंने जो चीजें बताई उनका चैनल मोनेटाइज हुआ और उनके $200 फंसे हुए थे, जो कि शायद पैसे भी अब उनके आ गए हैं। तो रीयूज्ड कंटेंट का अगर आपको कोई सोल्यूशन बता रहा है तो वो टेक्निकल प्रभाकर है, जो कि रीयूज्ड कंटेंट के एकदम पीछे पड़ चुका है और आपको एक एक नॉलेज डीपली देता है कि क्या क्या करना है। ठीक है, तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, जब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं करवाएंगे तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं, और हमारा मकसद आपको बताना नहीं है, आपको सिखाना है, समझाना है, और इसीलिए हम आपके लिए अच्छे अच्छे ऐसी ऐसी वीडियो लाते हैं जो कि आपको पसंद आती है और आप लोग अपना प्यार देते हैं। और अगर आपको इस वीडियो में नॉलेज लगी हो और आपको पता चला हो कि हाँ इस वीडियो में जो मैंने बताया है आपको यूजफुल लगा है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और लाइक कर देना वीडियो को। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।